दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है when the user clicks at the book seat buttons, then the total amount that is calculated as the number of the seats and the price should be displayed along with the payment method next to the push button and the price are given as follows। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो है आपके टेक्स्ट फील्ड के अंदर या फिर जिस लेबल जो आपने लिया है उसके अंदर हमारे को टोटल प्राइस जो है वो हमें प्रिंट करना है, किसके साथ, जो आपका पेमेंट मोड होगा उसके साथ। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि हम जो है पहले चेक करेंगे कि उसने कितनी वैल्यू जो है इंसर्ट करी है आपकी जे लेबल वन के अंदर और कितनी वैल्यू आ रही है आपकी जे टेक्स्ट फील्ड वन से, उन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि होगा आपका टोटल प्राइस। उस प्राइस के बेसिस पे हम जो है आपके जे लेबल के अंदर वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं कि अगर जो वैल्यू को हम ले लेते हैं सबसे पहले कि कौन कितने नंबर ऑफ सीट्स उसको करनी है, कौन से टाइप की उसको सीट करनी है। तो हम पहले यहाँ पर ले लेते हैं इंट, किस तरीके की उसको चाहिए एस में ले लेते हैं, जिसने हमने पहले जो कौन से टाइप की जो है सीट उसको बुक करनी है। फिर आता है अपना प्राइस की बात, फिर int p is equals to parse int, उसको कितनी जो है आपको कितनी नंबर ऑफ द सीट्स करनी है। तो j टेक्स्ट फील्ड से आ रही हो आपकी j टेक्स्ट फील्ड 1.getText, तो जो हमारी टेक्स्ट फील्ड 1 से जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी हो गई, जो नंबर ऑफ उसको नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। तो हमारा टोटल प्राइस क्या होगा, इंट टोटल प्राइस विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, एस इंटू पी, यानी कि जो टाइप ऑफ आपकी सीट है और इंटू द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड, तो उससे हमारी टोटल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हमारे को बेसिकली हमने टोटल प्राइस तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है कि जो वो पेमेंट मेथड यूज कर रहा है उसके बेसिस पे हमें वो पेमेंट मोड और फिर टोटल प्राइस को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी रेडियो बटन्स हैं उसको हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर उसने वीज़ा वाला क्लिक किया है तो हमें ऐसे वैल्यू जनरेट करनी है, फिर अगर उसने कैश दे रहा है तो वो वाला, अगर उसने रेडियो बटन चूज़ किया है तो हमें उसको ट्रू करके वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर चार रेडियो बटन्स आ रहे हैं, रेडियो बटन 5, 6, 7 और 8। तो जैसे ही पर्टिकुलर रेडियो बटन चूज किया हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमें जैसे पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। इफ जे रेडियो बटन 5 डॉट इज सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू, देन हमें क्या करना है, जे लेबल जो 2 है आपकी, जे लेबल 2 डॉट सेट टेक्स्ट क्या कर देना है, क्वेश्चन में आपने क्या दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपका जे लेवल जो है उसमें आ जाएगा कैश प्लस जो आपका टोटल प्राइस है वो, लेकिन अगर उसने जे रेडियो बटन 6 जो है वो सेलेक्ट किया जो कि है आपका वीज़ा का इक्वल्स टू ट्रू, देन हम क्या प्रिंट कर देंगे जे लेवल टू में हम प्रिंट कर देंगे सेट टेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर वीजा ले रहा है, वीजा प्लस टोटल प्राइस। ठीक है, ऐसे ही हम चौथे वाले के तीसरे वाले के लिए भी कर लेंगे, जे रेडियो बटन 7 डॉट इज सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर जे लेबल 2 डॉट सेट टेक्स्ट, कौन सा मेथड आपका आ रहा है इसके अंदर, जे लेबल 7 के अंदर आ रहा है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस प्लस टोटल प्राइस। ठीक है, और ऐसे ही हम लास्ट वाले के लिए भी कर देंगे, लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, वही आ जाएगा जे इफ जे रेडियो बटन 8 डॉट इज सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू, देन जे लेवल आपका 2 के अंदर क्या सेट हो जाना चाहिए, सेट टेक्स्ट मास्टर कार्ड और फिर हो जाना चाहिए आपका टोटल प्राइस। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया
कि जितने आपके डिफरेंट डिफरेंट जो पेमेंट मेथड्स हैं, अगर उनके रेडियो बटन को अगर यूजर ने जो है चूज किया तो उसके हिसाब से हम पेमेंट मोड को प्रिंट करेंगे एज ए स्ट्रिंग, और उसके बाद हम टोटल प्राइस जो है वो प्रिंट करेंगे। हमने टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट करी कि जो पर्टिकुलर टाइप का जो यूजर चूज कर रहा है उसके हिसाब से हमने उसकी गेट टेक्स करा वैल्यू जे लेवल वन से हमने उसकी वैल्यू गेट करी जो कि आपके फिक्स्ड है पर्टिकुलर टाइप पे, लेकिन इतनी ही वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हमने एस के अंदर हमने क्या किया, जितनी उसको सीट्स रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर हमने पी को स्टोर किया। फिर हमने टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट करी, नंबर ऑफ द सीट्स इनटू द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीट। तो इस तरीके से हमने जो है टोटल प्राइस कैलकुलेट करी, उसके हिसाब से हमने ऐसे कोडिंग कर दी। तो गाइस इजी है ये बात। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम ऐसे ही एक GUI एप्लीकेशन की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।